तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा हैं और इस नाते वो हरियाणा कांग्रेस की सबसे बड़े पद पर काबिज हैं। लेकिन बड़ौदा से नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज नरवाल के लिए शायद कुमारी शैलजा कोई मायने ही नहीं रखती। क्यों? क्योंकि चुनाव जीतने के बाद से लगातार 8 दिन में 3 बार इंदुराज नरवाल ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को अपना नेता बताया है। यह जीत हरियाणा के 36 बिरादरी के नेता भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की जीत है और यह जीत मेरे भाई हरियाणा का उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत है। और बड़ौदा लखा ने ये बता दिया एक बार सरकार को कि ये चंडीगढ़ की तरफ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी चल पड़े, पूरा फर्क पड़ेगा आप देखना। इस सरकार की चूल लगाने का काम करेगा हल्का बड़ौदा, हल्का बड़ौदा की जिसको श्रेय देना चाहते हो इसका इसका चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को श्रेय देना। तो ये 10 नवंबर की तारीख जिस दिन चुनाव जीते इंदुराज नरवाल, उन्होंने साफ तौर पर इस तरफ इशारा किया कि ये 36 बिरादरी की जीत है। साथ में उन्होंने नाम लिया किस नेता का, नेता थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा। वही दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि नामांकन के समय भी इंदुराज नरवाल के साथ नजर आए थे। उन्होंने साफ तौर पर सभी कांग्रेस पार्टी मेरे लिए आदरणीय और सम्मानित है नेता, आज भी मानता हूँ 36 बिरादरी के नेता मेरे भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और इस हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी साकेत सुमन आउटपुट हेड जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। साकेत जी, जिस तरीके से 10 नवंबर 17 नवंबर 8 नवंबर बार बार इंदुराज नरवाल ये दोहराते हुए नजर आए कि भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा की वजह से ही उनको ये जीत मिली है और साथ में 36 बिरादरी का उन्होंने जिक्र किया, कुमारी शैलजा कहीं नजर नहीं आई। बिल्कुल, शुरुआती दौर से ही जनता टीवी भी ये सवाल इंदुराज नरवाल से करता रहा। जब उनके नाम का ऐलान किया गया था तब भी आपको याद होगा पूजा की, तब भी ये सवाल किया गया था और अंदर खाने ये जवाब भी मिला था कि इंदुराज नरवाल जो है वो कुमारी शैलजा की पसंद नहीं है और उनको सीट दिलवाने में जो अहम भूमिका निभाई है वो भूमिका भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से, चूंकि दीपेंद्र हुड्डा को बड़ौदा इस उपचुनाव का प्रभारी भी बनाया गया था तो पूरी एक जिम्मेदारी उनकी थी। और तब से लेकर इस पूरे प्रचार में अगर हम देखेंगे तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने जी जान लगा दिया था। दीपेंद्र हुड्डा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि रोहतक का बदला, चूंकि रोहतक लोकसभा सीट से हार गए थे दीपेंद्र हुड्डा, तो उन्होंने कहा था कि इसका बदला लेना है, तो वो भी एक चीज है। कुमारी शैलजा दीपेंद्र हुड्डा के मंच पर जब शिरकत करने पहुंची वहां पर किस तरीके से हूटिंग हुई थी ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। तो ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को लेकर के जो एक आभार जताया जा रहा है इंदुराज नरवाल के लिए वो पार्टी के लिए सिरदर्दी बन सकती है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या इंदुराज नरवाल को इस तरह के स्टेटमेंट से नहीं बचना चाहिए था या इस तरह के स्टेटमेंट दे करके दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त पार्टी में सर्वे सर्वा बेशक प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा हूँ ऑन पेपर, बट ग्राउंड पर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ही सर्वे सर्वा है, ये इन बयानों से तो यही समझा जा सकता है। जी साकेत जी, आप हमारे साथ बने रहिए, पवन सीवर हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़े हैं हमारे साथ में। पवन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्योंकि लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि 10 नवंबर को 17 नवंबर को 18 नवंबर को 3 बार इंदुराज नरवाल जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के नाम का जिक्र किया। कुमारी शैलजा कहाँ है, सर्वे सर्वा है वो कांग्रेस की, प्रदेश कांग्रेस की, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम नदारद है। बिल्कुल, आज जो है वो इंदुराज नरवाल जो कांग्रेस के उपचुनाव में नव निर्वाचित विधायक बने हैं वो चंडीगढ़ पहुंचे थे, तो उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है वो कल ली थी और उसके बाद आज एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इंदुराज नरवाल के जुबा पर केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम था। इंदुराज नरवाल ने स्पष्ट कहा कि वो जो है वो अपना नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मानते हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मानते हैं। यही जो है वो इंदुराज नरवाल रुके नहीं, उन्होंने कहा कि 36 बिरादरी के जो नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो उनके लिए भगवान की तरह है और जो हरियाणा का उज्जवल भविष्य बताते हैं उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को अपना नेता बताया। कुमारी शैलजा का उन्होंने नाम तक नहीं लिया और इंदुराज नरवाल ने ये एक बार नहीं कई बार पहले भी दोहराया है और जब उनसे टिकट मिलने के बाद पूछा गया था
तब भी उन्होंने कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके नेता है, शैलजा का नाम तब भी उन्होंने नहीं लिया था। हालांकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, शैलजा जी ने भी चुनाव में प्रचार किया था, सभी विधायक जो है वो एक ही है, कांग्रेस के विधायक है, कोई शैलजा के विधायक है या फिर हुड्डा के विधायक है ऐसा नहीं है, सभी एकजुट है। लेकिन कहीं ना कहीं इंदुराज नरवाल जो है वो इस पूरी जीत का श्रेय या पूरा टिकट मिलने का क्रेडिट तमाम जो है। पवन, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे कि क्या लगता है इंदुराज नरवाल का बार बार इस तरीके का बयान, आपसी कला जो कांग्रेस के अंदर समय समय पर फूटती रहती है, उसको और बल नहीं देगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक नव निर्वाचित विधायक हैं और पार्टी ने बड़ौदा का उपचुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से लड़ा, ये इसलिए कहा जाएगा मजबूती से लड़ा क्योंकि जो वो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अगर वहां से चुनाव जीतता है तो उनकी मजबूती जो है वो चुनाव लड़ने की एक तरह से साबित हुई है, लोगों ने वोट देकर उसको साबित किया है। लेकिन अगर एक विधायक इस तरीके से लगातार बयान देते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके नेता हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके नेता हैं, कुमारी शैलजा का नाम उनकी जुबान पर नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को एक तरह से दो फाड़ करने वाली ये बात जो है वो दिखती है। और जाहिर है कि इंदुराज नरवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता बताएंगे और मानेंगे भी, लेकिन अब जब वो संगठन के साथ मिलकर और सर जो विधायक का उनका दल है वो मिलकर अगर आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल पवन, जब वो संगठन में शामिल हो चुके हैं तो संगठन की मर्यादा उन्हें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें ये समझना पड़ेगा कि इसका असर बहुत दूर तक जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए रखिए। रिकॉर्ड